नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। एनएचएम में एम्बुलेंस की नौकरी कर रहे दो चालकों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी प्राप्त करने का लगा आरोप, जांच की गई शुरू। डिप्टी सिविल सर्जन ने कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा पत्र। किला थाना पुलिस ने वार्ड 10 के युवक के खिलाफ ड्यूटी में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करने का किया मुकदमा दर्ज। थाना सेक्टर 13-17 पुलिस टीम ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को बीती देर शाम किया गिरफ्तार। पानीपत के नवनियुक्त एसपी अजीत सिंह शेखावत ने जिले का संभाला कार्यभार, किया गया स्वागत। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे के गांव भापरा में एक बहन की भाई ने की हत्या। 16 साल की बहन ने कपड़े धोने से किया था मना, तैश में आकर भाई ने कर दी बहन की हत्या। मां की शिकायत पर स्मालखा थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। पत्नी की नौकरी लगवाने के नाम पर पति से की गई 2.5 लाख रुपए की ठगी, गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। रोहतक नेशनल हाईवे पर डाहर गांव के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने एम्बुलेंस चालक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की हुई मौत। लोक संपर्क विभाग की भजन मंडली ने लोकगीतों के माध्यम से दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। डीसी सुशील सारवान ने लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि जिले से नशे का नामो निशान मिटाना हमारी पहली प्राथमिकता, इसमें वो किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी सुशील सारवान ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एडवाइजरी अनुसार कहा कि 100 से ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। पानीपत में हनुमान जन्मोत्सव पर उमड़ा पूरा शहर, 453 क्विंटल फूलों से की गई हनुमान स्वरूप पर वर्षा, देवी मंदिर में की गई आतिशबाजी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.